हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आप स्क्वायर ट्रिक जानने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हैं, तभी तो फ्रेंड आपने ये एक घंटे की वीडियो पे क्लिक किया है। फ्रेंड जब आप इतने एक्साइटेड हैं ही तो मैं कौन होता हूँ बीच में टांग अड़ाने वाला। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो में है क्या क्या। तो फ्रेंड इस वीडियो में मैंने आपको स्क्वायर ट्रिक्स बताई है। फ्रेंड किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने की जो सबसे फास्टेस्ट ट्रिक होती है ना फ्रेंड, वही मैंने इस वीडियो में डिस्कस की थी। आप नंबर लाइन पे ऐसा कोई नंबर नहीं बचेगा जिसका आप स्क्वायर ना निकालें फ्रेंड, और सबसे फास्टेस्ट ट्रिक जितना मुझको आती है मैंने इस वीडियो में बताया है। इसीलिए फ्रेंड वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। शुरू में मैंने कुछ पार्टिकुलर नंबर के लिए ट्रिक जरूर बताई है, लेकिन एंड में मैंने एक ऐसी ट्रिक बताई है लास्ट में जिससे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं फ्रेंड। 1000, 2000, 3000 और छोटे छोटे 100, 200, 300, 150, 160, 170, 173 कितने भी नंबर का बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड जब कभी भी हमें ऐसा नंबर दिखाई दे जिसमें अकेले 9 हो, जैसे ये कुछ ऐसा नंबर हमें दिखाई दे और इसका स्क्वायर अगर हमें फाइंड करना रहेगा ना, इनका स्क्वायर हम चुटकियों में निकालेंगे, उसके लिए हमें करना क्या होगा देखिए। तो फ्रेंड सबसे पहले हम इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, दैट इज़ -1 करेंगे। तो इसको लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा 998। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में फ्रेंड हमें काउंट कर लेना है कि ये हमारा कितने डिजिट हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारी 3 डिजिट है, तो 3 - 1 फ्रेंड 3 डिजिट है, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे -1, दैट इज़ कितना हो जाएगा 2। 2 टाइम्स हमें यहाँ पे इसके आगे 0 लिख देना है राइट साइड में, इसके 2 times 0। उसके बाद लास्ट में फ्रेंड कुछ नहीं, हमें 1 लिख देना जो हमारा ये रिजल्ट आया था उसके आगे हमें 1 लिख देना है, नो मैटर हमारा यहाँ कितनी डिजिट का है। बस कंडीशन वही होनी चाहिए कि यहाँ अकेले 9 के अलावा कोई डिजिट नहीं होनी चाहिए फ्रेंड। तो यही फ्रेंड हमारी ट्रिक है, और यही ये जो होगा फ्रेंड ये हमारा 999 का स्क्वायर है। तो है ना फ्रेंड कमाल की ट्रिक, बहुत आसानी से हम निकाल लेंगे ना फ्रेंड, समझ में आया ना फ्रेंड। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे ये ट्रिक हमें याद हो जाए फ्रेंड। तो फ्रेंड हम बड़े से बड़े नंबर का भी निकाल सकते हैं और छोटे छोटे, तो जैसे छोटा नंबर एक ले लेते हैं, ये हो गया 99 का स्क्वायर निकालना है फ्रेंड। सेम इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 98। कुछ स्पीड से करता हूँ फ्रेंड ताकि आपको पता चले कि ये ट्रिक वाकई में काफ़ी इफेक्टिव है और टाइम एफिशिएंट है फ्रेंड। तो ये हो गया 98। अब हमारी 2 डिजिट है तो 10 और यहाँ पर लास्ट में 1 हो गया फ्रेंड, ख़त्म आंसर आ गया। जैसे इस और बड़ा नंबर ले लेते हैं, सपोज़ अगर हमें ऐसा नंबर कहीं दिखाई दे, काफ़ी बड़ा नंबर है ना, अगर हम ट्रेडिशनली करते जाएंगे तो फ्रेंड बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसमें से कुछ नहीं, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो फ्रेंड 1 सब्ट्रैक्ट करने की भी आसान सी ट्रिक है, इतना लास्ट डिजिट छोड़ने बाकी तो सेम उतार लो, उसके बाद लास्ट डिजिट में 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट मीन्स 8 लिख दो, ये सॉरी 1 9 और होगा, ये हो गया। उसके बाद ये तो हो गया हमारा 1 सब्ट्रैक्ट करने का तरीका। अगर फ्रेंड आप मैथमेटिशियन और किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे ना फ्रेंड, तो आपको खुद ही कुछ चीज़ रिसेम्बल करने लगेगी, कुछ ट्रिक लगने लगेगा, जिससे काम अपना आसान हो जाए ना, उसी चीज़ को हम ट्रिक बोल देते हैं ठीक है। इसलिए हमेशा कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, इसलिए आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको नई नई ट्रिक खुद ही मिल जाएगी ठीक है फ्रेंड। तो ये हम बहुत हो गए इधर उधर, तो आगे अपने कॉन्सेप्ट पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया, अब यहाँ पे कितने डिजिट है 5, तो 40 लिख देते हैं और लास्ट में 1, ये कितना बड़ा आंसर है ना फ्रेंड, लेकिन बहुत आसानी से आ गया फ्रेंड। और इरर होने के भी चांसेस एकदम 0 हैं फ्रेंड, मिनिमम है ना फ्रेंड। तो ये हमारी हो गई ट्रिक फास्ट। तो फ्रेंड अगर अब हमें कभी भी ऐसा नंबर दिखाई दे जिसका यूनिट डिजिट फ्रेंड 5 हो, दैट मीन्स ऐसा रहे कुछ नंबर दिखता रहे, दिखने में कुछ ऐसा होना चाहिए कि यूनिट डिजिट जो होगा 5 होगा, बाकी यहाँ पे जो फ्रेंड यूनिट डिजिट छोड़ने के बाद जो बचा हुआ नंबर है ये वाला, यहाँ पे कुछ भी रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं, बस हमारा यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए। तो हम चुटकियों में आंसर निकालेंगे, जैसे पहली ट्रिक थी सेम उसी तरह ये ट्रिक भी है फ्रेंड, चुटकियों में आंसर निकलने वाला है बिना पेन पेपर के। तो फ्रेंड हमें सबसे पहले जो है राइट साइड में 25 लिख देना है, यहाँ लेफ्ट साइड में कुछ जगह छोड़ के फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे हमारा कुछ रिजल्ट आएगा 2-3 डिजिट का। तो फ्रेंड सबसे राइट साइड में 25 लिख दें। अब 25 ही हमने यहाँ पे क्यों लिखा, तो फ्रेंड
ये जो 5 है लास्ट डिजिट तो हमारा 5 रहेगा फ्रेंड। 5 का स्क्वायर होता है 25, इतना तो आप सभी को पता ही होगा फ्रेंड। तो 5 का स्क्वायर 25, इसीलिए हमने 25 यहाँ पे लिखा। समझ में आ गया ना फ्रेंड। अब फ्रेंड नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में फ्रेंड हमें ये जो सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं, ये जो 4 है इसमें प्लस 1 करेंगे तो 4 प्लस 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब इसी 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर देना है फ्रेंड। सॉरी स्टाइलस भी धोखा दे देता है। हाँ 5 × 4 को मल्टीप्लाई कर देना है और उसी को यहाँ पे हमें लिख देना है। तो 5 × 4 20, तो 20 हम यहाँ पे जैसे ही लिखेंगे हमारा आंसर तैयार हो जाएगा फ्रेंड। 20 25 ही हमारा आंसर है फ्रेंड, 45 का स्क्वायर है। समझ में आया ना फ्रेंड। एक एग्जांपल देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड सपोज अब हमें स्क्वायर निकालना है 125। हम फ्रेंड बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, बस कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए कि लास्ट डिजिट जो यूनिट डिजिट होगा वो 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 है, बस हमें क्या करना है फ्रेंड, अब तो आपको पता ही है लास्ट में 25 लिख देना है। उसके बाद 5 छोड़ने के बाद, ये 5 छोड़ने के बाद ये जो बचे हुए नंबर रहेगा इसमें प्लस 1 कर देना है। प्लस 1 करेंगे 13 हो जाएगा, इसी 13 को 12 में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 13 × 26, 13 × 13 = 15, तो 156 आ गया। तो इसको यहाँ पे लिख देना, तो यही हमारा इसका स्क्वायर हो गया फ्रेंड। तो फ्रेंड है ना कमाल की ट्रिक। अब स्पीड टेस्ट कर लें इसका, तो चलिए फ्रेंड स्पीड टेस्ट भी कर लेते हैं। तो जैसे हमें निकालना है 85 का स्क्वायर निकालना है फ्रेंड, और एक ले लेता हूँ, नहीं आप कहेंगे कि छोटा नंबर लिया था इसीलिए जल्दी से कर लिया, तो ले लेता हूँ 105 का। फ्रेंड मैं सोच समझ के नंबर नहीं ले रहा हूँ फ्रेंड, नंबर लेने में भी थोड़ा टाइम वो लगता है कि कौन सा नंबर ले लें। तो ठीक है, तो अब स्क्वायर निकालते हैं। तो इसका निकालना है तो फ्रेंड 25 और फ्रेंड 9 8 72 ख़त्म, 8 + 1 9 हो जाएगा 72। और फ्रेंड कोई ये कंपलसरी नहीं है कि हम पहले 25 ही लिखेंगे, हम पहले इसमें प्लस 1 करके इंटू कर लेंगे, उसको लिखने के बाद भी 25 लिख सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड बाउंड रूल नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो आपको जो सूटेबल लगे आप वैसे भी कर सकते हैं। मुझे आदत सी हो गई है फ्रेंड पहले 25 लिखने की, इसीलिए मैं ऐसे करता हूँ, आपको जैसे सूटेबल लगे आप करिएगा। ठीक है फ्रेंड, अब ये वाला आते हैं, तो इस पर भी 25, अब 12 × 11 करना है तो 132। अब 12 × 11 132, इतनी जल्दी मैंने कैसे कर लिया, यहाँ तो आसान था 9 8 72। तो इसके लिए भी एक ट्रिक बनाई है फ्रेंड, मैं उसकी लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या तो आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। और नहीं फ्रेंड यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ, क्या ज़रूरत ही क्या है दूसरी वीडियो में जाने की। तो आइए देख लेते हैं कि अगर हमें किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना हो, जैसे 1 2 3 × 11 से मल्टीप्लाई करना रहेगा, तो फ्रेंड बस एडिशन करते चलना है, बहुत आसानी से आंसर आएगा। तो क्या करना है हमें 11 से मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले यूनिट डिजिट लिख लेना है, उसके बाद फ्रेंड 11 से मल्टीप्लाई करना है, 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है तो 2 डिजिट तक जाएंगे, तो दैट इज़ 3 + 2 कर देंगे तो 5 लिख लिया। अब फ्रेंड 11 2 ही डिजिट है, तो इसके बाद ये भी तीनों को ऐड नहीं करेंगे एक साथ, हम मैक्सिमम बाउंडेशन है कि हम 2 डिजिट तक एक साथ ले सकते हैं। तो फ्रेंड अब आगे बढ़ेंगे, अब सिंगल डिजिट इसको अकेले ले नहीं सकते क्योंकि फ्रेंड ये बीच में है। तो अब फ्रेंड क्या करेंगे, तो आगे बढ़ेंगे, अगर इसको लेंगे तो फ्रेंड एक छोड़ना पड़ेगा, है ना फ्रेंड। तो इसीलिए अब हम 1 2 को ले लेंगे और 3 हमारा छूट जाएगा, तो 1 + 2 करेंगे 3, तो 3 लिख लिया। अब फ्रेंड यहाँ कोई नंबर भी नहीं है और फ्रेंड 2 डिजिट ले लिया, अब इसको भी छोड़ना पड़ जाएगा फ्रेंड, लास्ट में जो बचा रहेगा यही नंबर हमें यहाँ पर लिख देना। तो ये होगा फ्रेंड 123 × 11 135 3। अब जैसे फ्रेंड इसी तरह मैंने यहाँ पे किया था ना 11 × 12, तो सेम इसी तरह हो जाएगा, यूनिट डिजिट लिख लिया, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे 3 और 1 लास्ट में। ये फ्रेंड प्रैक्टिस की बात है, नहीं तो आपको नंबर देखते ही मान तुरंत करेंगे, ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे मैंने किया था पीछे ना फ्रेंड। तो ये हो गई ट्रिक, सेकेंड ट्रिक समझ में आई ना फ्रेंड। अगर कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा फ्रेंड आप। तो फ्रेंड अब थर्ड ट्रिक में एक ऐसी ट्रिक हम देखेंगे जिसमें हमें ना ऐड करना रहेगा, ना मल्टीप्लाई करना रहेगा, ना कुछ करना रहेगा। अभी तक दोनों ट्रिक जो हमने पिछली देखी उसमें हमें एक जगह नंबर काउंट करना है, एक जगह कुछ करना है, अब यहाँ हमें कुछ नहीं करना रहेगा। और यहाँ कैसे नंबर को हम आंसर निकाल मतलब स्क्वायर निकालेंगे, तो उसके लिए अगर हमें फ्रेंड जैसे पहला एक ट्रिक देखा था जहाँ पर हमें अकेले 9 मिला था ना, ऐसा नंबर जिसमें अकेले डिजिट 9 हो, 9 के अलावा कोई डिजिट ना हो, तो सेम उसी तरीके से
फ्रेंड यहाँ पे हमारा जो डिजिट होनी चाहिए वन होनी चाहिए, वन के अलावा कोई डिजिट ना हो। जैसे 111 ऐसा नंबर कहीं दिखाई दे, 1111 तो वन के अलावा कोई डिजिट ना हो। इसका स्क्वायर फ्रेंड, बस इसमें हमें फ्रेंड कुछ नहीं, कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है। अब फ्रेंड गिनती करने चलना है, शुरू से चलना है, शून्य से 1 2 3 जितनी डिजिट आएंगे उतने तक जाना है, उसके बाद फ्रेंड वापस आ जाना है। लेकिन फिर एक बात ध्यान रखना कि वापस आने लगेंगे तो फ्रेंड 3 तो है ही ना, तो 3 को दोबारा थोड़ो लिख देंगे, 3 तो हमने ले लिया है। तो 3 को जैसे हम सीढ़ी पे चढ़ने लगते हैं, जैसे मैं एक सीढ़ी बना लेता हूँ, फ्रेंड मेरी ड्राइंग थोड़ा कमज़ोर है संभल के, तो ये हमने सीढ़ी ले ली। तो फ्रेंड अगर हम जैसे सीढ़ी चढ़ने लगते हैं तो पहली स्टेप चढ़ा, दूसरी स्टेप चढ़ा, तीसरी स्टेप चढ़ा, तो फ्रेंड अब तीसरी स्टेप के बाद उतरने लगेंगे तो हम अपना जो पैर रखेंगे दूसरी पर रखेंगे ना फ्रेंड, तीसरी पर तो हम हैं ही, तीसरी पर तो फिर से पैर रखने लगेंगे। इसी तरह यहाँ पे फ्रेंड कि हम 3 तक तो आ गए, अब 3 से हम 2 पे आएंगे ना फ्रेंड, फिर से 3 तो हम लिखेंगे नहीं, इसीलिए हम ये 2 1। तो फ्रेंड अगर ये सीढ़ी वाला एग्जांपल आपको दिल को छू गया, दिमाग में बैठ गया, तो एक लाइक तो बनता है फ्रेंड। और ये ट्रिक कैसी लगी आपको बताना मत भूलिएगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड कुछ और एग्जाम्पल इसी का देख लेते हैं। अगर हमें फ्रेंड मल्टीप्लाई करना, सॉरी स्क्वायर निकालना है, 1 1 1 1 1 इसका स्क्वायर, तो फ्रेंड सेम 5 डिजिट हैं, तो 1 2 3 4 5। अब वही सीढ़ी वाला केस याद कर लीजिएगा फ्रेंड, कभी भी अगर ऐसा होगा तो फ्रेंड 5 के बाद 4, क्योंकि 5 तो हैं ही हम सीढ़ी पे, 5th स्टेप पे, तो 5th से बाद 4 में ही आएंगे, 5th पे रहेंगे, तो 4 3 2 1 स्क्वायर है ना फ्रेंड, कितना बड़ा स्क्वायर लेकिन चुटकियों में। फ्रेंड अगर आप किसी फ्रेंड्स को ऐसे देंगे ना और उसको ट्रिक नहीं पता होगी, वो चौंक जाएगा फ्रेंड, तो आप किसी फ्रेंड के साथ ट्राई कर लीजिएगा फ्रेंड। तो ये हो गई हमारी ट्रिक नंबर 3। तो फ्रेंड आप देख रहे होंगे कि मैं कुछ पार्टिकुलर नंबर के लिए बता रहा हूँ, तो आप कहेंगे कि अरे ये तो पार्टिकुलर नंबर के लिए है, मतलब मुझे कोई हर नंबर के लिए ट्रिक नहीं आती। लेकिन फ्रेंड ये ट्रिक आपको कहेंगे कि इनको याद करने में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए फिर मैं ऐसे बता रहा हूँ कि आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, और बहुत आसान है फ्रेंड। जब देखेंगे कि आपको याद करने में प्रॉब्लम होगी कि 1 का स्क्वायर निकालना है, तो वो खुद ही एक दिमाग में स्ट्राइक करेगा। अगर कभी कदा भूल जाएंगे, जल्दी यूज़ तो आता नहीं हो, अगर आप स्टूडेंट रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो यूज़ आता रहेगा, तो नहीं भूलेंगे। और अगर नहीं, मतलब कभी कदा यूज आता है, भूल जाएंगे, तो बस एक बार आप मेरी वीडियो पे आ जाइए, देख लीजिए, या मेरी ही नहीं फ्रेंड, मैं अपने ही प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी वीडियो पे चले जाइए देख लीजिए। अगर फ्रेंड आपको चाहिए छोटी वीडियो, इतना टाइम नहीं है कि 1 घंटे आप देखेंगे, तो 1 घंटे देखना भी नहीं चाहिए बार बार फ्रेंड, कौन 1 घंटे अपना डाटा खर्चा करेगा, टाइम खर्चा करेगा, आजकल तो फ्रेंड टाइम की बहुत कीमत है। तो मैं इसके ऊपर एक छोटी वीडियो बनाया फ्रेंड, उसका लिंक फ्रेंड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा कभी अगर भूल भटक गए, नहीं तो आप बस मेरे चैनल पे आइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है इसका ट्रिक की, वहाँ पे थंबनेल में क्लियरली इसलिए मैं शो कर देता हूँ फ्रेंड कि इस वीडियो में कौन सी ट्रिक होने वाली है, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा, ठीक है ना फ्रेंड। तो आप टेंशन मत लीजिए कि हम पार्टिकुलर नंबर के लिए करेंगे फ्रेंड, इसलिए मैं शुरुआत में ऐसे नंबरों को इसलिए बता रहा हूँ फ्रेंड इनसे बहुत आसान रहेगा। और आप फ्रेंड टेंशन मत लीजिए, आपको नंबर लाइन पे ऐसा कोई नंबर नहीं रह जाएगा फ्रेंड जिनका स्क्वायर की ट्रिक मैं नहीं बताऊंगा, मैं जो जितनी ट्रिक आती है मैं सबको बता दूंगा, और हर नंबर का स्क्वायर निकाल लेंगे फ्रेंड। और मैं गारंटी देता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकेंड लगेगा किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने में फ्रेंड, ठीक है। तो अगर आप वीडियो को अब भी देख छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ के चले जाइए, नहीं तो आप कंटिन्यू दीजिए, 1 घंटे तो देखे ही हैं। तो चलिए फ्रेंड अब हम कुछ देर 1 के साथ खेल कूद लेते हैं। हाँ फ्रेंड हम नंबर के साथ भी खेल सकते हैं, कैसे आइए देखिए। तो फ्रेंड जैसे 1 का स्क्वायर निकालना है तो कितना होगा फ्रेंड, ये तो आप सभी को पता होगा 1 होगा, 111 का स्क्वायर कितना होगा फ्रेंड, 121। अभी मैंने फ्रेंड पहले ही जस्ट पहले ट्रिक बताई थी, तो ये हो गया। अब फ्रेंड अगर 101 का स्क्वायर निकालना होगा फ्रेंड तो कितना होगा, नहीं पता, चलिए मैं बता देता हूँ, 10201 कैसे होगा मैं अभी बताऊँगा फ्रेंड। और अगर फ्रेंड यहाँ पे 1 0 के बजाय बीच में 2 0 आ गए तो क्या होगा स्क्वायर फ्रेंड, तब फ्रेंड हो जाएगा 1 2 0 2 2 0 1। कुछ रिजेम्बलेंस हुआ फ्रेंड इस ट्रिक में और यहाँ पे, यहाँ पे तो आपको थोड़ा थोड़ा कुछ आइडिया हो गया होगा कि क्या होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड हम देखते हैं कि ये ट्रिक हमारी है कौन सी। फ्रेंड अगर हमें कभी भी ऐसा नंबर दिखाई दे कि हमारा 1 लिखा रहे दोनों एंड में और बीच में अकेले 0 रहे, 0 के अलावा कोई नंबर ना रहे, कितने भी 0 रहे उससे कोई मैटर नहीं, 0 रहे, तो यहाँ फ्रेंड 2 0 है ना और इनका स्क्वायर निकालना रहे फ्रेंड, बहुत आसान है।
फ्रेंड ये सब जनरली यूज़ में आते नहीं है, लेकिन फ्रेंड कम्पिटेटिव एग्जाम में ये सब बहुत ही यूज़फुल हो जाती हैं फ्रेंड, क्योंकि आपको पता ही होगा कि कंपटीशन में हमेशा ट्रिक के बेस्ट क्वेश्चन रहते हैं। तो फ्रेंड इन सब ट्रिक का यूज़ करके फ्रेंड आप जो चीज़ 10 से 15 सेकेंड करते अगर बेसिक कर अगर नॉर्मल ट्रिक यूज़ करते फ्रेंड, ऐसी वजह से नॉर्मल ट्रिक यूज़ करते फ्रेंड, ट्रिक ही यूज़ करते, डायरेक्ट इसको स्क्वायर नहीं करने लगते, ट्रिक यूज़ करते फिर भी 10 से 15 सेकेंड लग जाते हैं। लेकिन फ्रेंड इसको आप फ्रेंड आँख मूंद के सिर्फ 2 सेकेंड में कर सकते हैं। लिखने में टाइम लगेगा, बताने में तो आपको बोलने तुरंत बोलते जाइए, आपको नंबर दिखेगा तुरंत बता देंगे इसका स्क्वायर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए वो कैसे। तो इसमें जैसे मैंने आपने पीछे झलकी देख ली होगी, कुछ नहीं करना है, अगर ऐसा नंबर दिखाई देना तो हमें सबसे पहले 1 लिख लेना, जो यहाँ पे हमारा ये 1 है इसको एज इट इज़ लिखें, उसके बाद जितने 0 हैं वो 0 भी लिख दीजिए। उसके बाद फ्रेंड अब हमें देखिए कितने 1 हैं इस नंबर में, कितने टाइम्स 1 है। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा 2 टाइम्स 1 है, 2 बार 1 है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे, तो 2 बार है तो 2 लिख दीजिए। अब फ्रेंड 0 है ना, तो जितने 0 यहाँ पे रहेंगे पहले उतने ही 0 यहाँ बाद में भी लगेंगे, 2 के पहले भी 2 के बाद में, और ये इसके बराबर रहेंगे जितने 0 यहाँ बीच में और लास्ट में फिर 1। तो समझ में आया ना फ्रेंड, इसको समराइज कर देता हूँ। फर्स्ट जो पहला डिजिट रहेगा हमारा आंसर का वो सेम यही रहेगा, जो पहला डिजिट रहेगा हमारा नंबर का। उसके बाद फ्रेंड कितने 0 लगाने हैं, तो जितने 0 हमारे नंबर के बीच में है जिसका स्क्वायर फाइंड करना है उतने 0 हमें लिख देना है एक साथ। उसके बाद फ्रेंड 2 लिख देना है, तो फ्रेंड 2 हमेशा यहाँ 2 ही होगा। अब ये क्यों 2 होगा, तो फ्रेंड पहले मैंने बताया था कि यहाँ 2 डिजिट रहेगी तभी 2 होगा। तो फ्रेंड कंडीशन भी तो यही है कि हमारे पास शुरू में जो फर्स्ट डिजिट रहेगी और जो यूनिट डिजिट रहेगी मतलब लास्ट डिजिट रहेगी अगर राइट से हम जाने लगेंगे तो फर्स्ट और लास्ट डिजिट अकेले 1 हो, बीच में अगर 0 रहेगा तभी ये ट्रिक अप्लीकेबल है। तो इसका मतलब हमारा जो है यहाँ पे सिर्फ 2 ही टाइम्स तो 1 आएगा, 2 से ज़्यादा बार तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि फिर अगर आ गया तो कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करेगा, तो 2 ही टाइम्स आएगा, इसलिए मतलब यहाँ 2 टाइम्स ही, तो हमेशा यहाँ पे 2 रहेगा। उसके बाद फ्रेंड इस साइड भी जितने यहाँ पे 0 हैं उतने ही 0 यहाँ पे, और लास्ट में 1, और 1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1। ठीक है, तो फ्रेंड ये अब कहेंगे ये जल्दी यूज आता नहीं तो याद कैसे करेंगे, तो याद करने हैं कि क्या ज़रूरत है फ्रेंड, ये तो बहुत आसान है, ये नंबर देखते तो आप निकाल लेंगे है ना फ्रेंड। चलिए देखते हैं एग्जांपल एक देख लेते हैं और आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो एक कलर चेंज कर लेता हूँ, अच्छा लगता है कलर चेंज हो जाता है ना फ्रेंड। तो अब ये देखिए 3 डिजिट हमने लिख लिया, 3 0 बीच में, कोई मतलब कोई बात नहीं फ्रेंड, कितने भी 0 रहें उससे हमें कोई मतलब, बस हमारा बस बीच में 0 रहें और अगल बगल जो हैं इनकी पहरेदारी करते 1 रहें, 1 के अलावा कोई डिजिट पहरेदारी ना करें, क्योंकि 1 रहेगा तभी फ्रेंड देखिए यहाँ से इंट्री नहीं हो पाएगी ना, बहुत आसानी से नहीं हो पाएगी, और कोई डिजिट जैसे यहाँ 2 रहता तो फ्रेंड थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता फ्रेंड, बस जॉक कर रहा था, कोई इसका ऐसा इशू नहीं है। हाँ तो ये हो गया, मतलब ये है हमारा, तो इसका स्क्वायर करना है तो कुछ नहीं, यहाँ पे इस पहले इतना टर्म तो हमें ऐसे लिख लेना है, यहाँ पे लिख देना, तो यहाँ लिख देते हैं 0 0 0 1000, तो 1000 यहाँ वाला आ गया। और फ्रेंड जैसे मैंने पहले भी बताया था एक आप ऐसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो 1 लिख दीजिए फिर जितने 0 वो लिख दीजिए, बात तो सेम ही है। उसके बाद फ्रेंड 2 लिख देना है, आँख मूंद के 2 लिखो, क्योंकि हमें फ्रेंड कोई और बाकी कुछ सोचिए मत, कि कॉन्सेप्ट वो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि एक तरीके से कहाँ से आया, बाकी आप कुछ सोचिए मत, डायरेक्ट 2 लिख दीजिए बस। उसके बाद फिर जितने 0 लेफ्ट यहाँ पे लिखें उतने 0 यहाँ पे, 3 0 यहाँ पे, 3 0 यहाँ पे, और लास्ट में 1, कोई बात नहीं, ख़त्म हो गया फ्रेंड, स्क्वायर निकल आया है ना फ्रेंड। कमाल की ट्रिक है फ्रेंड, बस ये जनरली यूज़ में नहीं आती है फ्रेंड बस, लेकिन पता होगी तो आप बहुत चुटकियों में आंसर निकालेंगे फ्रेंड। ऐसी ऐसी ट्रिकें बता दे रहा हूँ कि अगर किसी के सामने आप करेंगे ना वो चौंक जाएगा, कितनी जल्दी इतने बड़े नंबर का स्क्वायर कैसे निकाल लिया। लेकिन फ्रेंड जल्दी आएगा नहीं, जल्दी करने को हमें कभी मिलेगा नहीं, लेकिन जब मिलेगा ना, अगर आपने कर लिया ना, तो कोई आपके सामने वाला जो रहेगा ना, अगर ना हैरान हो जाए आपसे, ये पूछे ना कि आपने कैसे किया, तो मुझे बताइएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गई। तो फ्रेंड जैसे मैंने कहा था कि अब कुछ ट्रिक्स में हम 1 के साथ खेलने वाले हैं, तो नेक्स्ट ट्रिक भी मतलब 1 से ही रिलेटेड होगी। तो नेक्स्ट ट्रिक में फ्रेंड जैसा कि इस ट्रिक की जो लिमिटेशन थी वो इस ट्रिक में दूर हो जाएगी, जो पिछली वाली ट्रिक थी उसकी लिमिटेशन थी कि बीच में, जैसे यहाँ पर लिख लेता हूँ, जैसे ये ऐसा लिखा, तो फ्रेंड बीच में जो यहाँ 0 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, और फिर ऐसा था कि बीच में 1 नहीं आ सकता था, अकेले किनारे साइड में 1 रहता, तो मतलब शुरू या अंत में, तो फ्रेंड इस ट्रिक में वो लिमिटेशन हट जाएगी। यहाँ पे फ्रेंड
हमारा नंबर कुछ ऐसे है 10101, बीच में भी एक वन आ जाएगा, मतलब कंडीशन ऐसे होगे कि अगर एक जीरो होगा तो कोई मतलब रहेगा नहीं, फिर इधर अगर जीरो हो गया तो इसीलिए स्टार्टिंग से वन से फिर एक जीरो एक वन एक जीरो एक वन और लास्ट में जीरो नहीं होना चाहिए। फिर जीरो होगा तो वो तो अके स्क्वायर के बाद एक जीरो रहेगा तो दो जीरो लगा देना, तीन जीरो, ठीक है। तो जीरो से कोई परेशानी होने नहीं वाली है ऐसे, तो मतलब ऐसे में करना है कि वो पिछली बार वन गुस्सा गया ना था ना फ्रेंड, कि वन जो था वो गुस्सा गया था कि मुझे इतनी कम बार, जीरो बहुत बार आएगा, मैं अकेले वन बार, इसलिए उसने कहा कि दोनों बराबर रहेंगे, दोनों में लड़ाई हो गई थी, दोनों ने कहा कि हम दोनों बराबर रहेंगे, एक बार तुम आओगे पहले, तो जीरो यहाँ पे भी जीत कर रहा था कि पहले मैं आऊँगा, लेकिन जीरो को फिर समझाया गया कि तुम्हारा कोई महत्व ही नहीं है अगर पहले आ गया, तो उसने समझा लिया तो कहा ठीक है मैं बीच में आऊँगा, तो इसीलिए पहले वन हो गया फिर जीरो, तो फ्रेंड अब लड़ाई हुई है तो इक्वल शेयर मिलना है सबको, तो फिर से वन फिर जीरो फिर से वन फिर जीरो, अगर हमें इसका स्क्वायर निकालना है फ्रेंड तो ऐसे नंबर का, समझ में आया ना, तो स्क्वायर निकालना है तो फ्रेंड इसका भी बहुत आसान है, हमें कुछ नहीं वन लिख लेना है, उसके बाद फ्रेंड यहाँ कितने जीरो हैं, वन जीरो हैं तो वन जीरो लगा दो, उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे अब देखिए कितना है, थ्री डिजिट है ना, थ्री टाइम्स वन है ना, तो हम एक बढ़ते जाएंगे, थ्री टाइम थ्री तक जाएंगे, थ्री टाइम्स वन है, जैसे पहले जो ट्रिपल वन वाला ट्रिक देखा था, जो वन वन वाली ट्रिक देखा था, उसमें क्या था थ्री जितने डिजिट थे उतनी टाइम्स तक जाते थे, वन टू थ्री करके जाते थे ना, फिर पीछे ही मैंने बताया था, तो वो उसी तरह यहाँ पे भी थ्री डिजिट है, तीन बार वन है ना, तो तीन बार जाएंगे, तो दैट मीन्स हाँ, तो अब एक जीरो, तो जितने एक ही जीरो बार बार लगाना है तो एक जीरो लगा दिया ये, उसके बाद फ्रेंड अब टू आ गया फिर जीरो, अब फ्रेंड तीन डिजिट है तीन बार जीरो, थोड़ा इरेज कर लेता हूँ नहीं जगह नहीं आएगा, अच्छा फंसा दे रहा है, तो जीरो, अब उसके बाद फ्रेंड जैसे वहाँ भी करते थे कि अब रिटर्न चलना है, क्योंकि हम तो आ गए वापस, तो हम वापस घर भी तो जाना रहता है फ्रेंड, कहीं भी जाओ दुनिया में कहीं भी लौट के एक दिन घर तो आना ही रहता है, तो वापस अब वही स्टेप वाला फ्रेंड याद करना, जो श्री वाला केस था कि हम यहाँ थ्री नहीं लिखेंगे यहाँ टू लिखेंगे, तो टू और जीरो वन, तो ये हमारा इसका स्क्वायर है फ्रेंड, ये तो फ्रेंड मैंने बहुत स्लो स्लो किया, आपको तो लगेगा 5-10 सेकंड में मैंने इतना लिखा, लेकिन फ्रेंड बहुत आसान है, बस ये मैं समझा रहा था बता रहा था ना इसीलिए, नहीं इनर्जेटिक देखेंगे तो जैसे हमें ऐसा नंबर मिल गया 10 10 10, इसका स्क्वायर निकालना है, तो फ्रेंड ट्रिक सेम है, बस आप कहेंगे यहाँ लास्ट में जीरो आ गया ना, उसका बस देखिए ये ट्रिक को हम देखेंगे, हमें कभी भी नंबर दिखेगा ना, अगर ये ट्रिक आपको दिमाग में बस जाएगी ना, तो मैं हर जगह यहाँ पे मुझे आपको तो ये ट्रिक नहीं दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पे वो ट्रिक तो आपने बताया नहीं, लेकिन मुझे ये ट्रिक दिखाई दे रही है, जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ वही ट्रिक मुझे इस नंबर में दिखाई दे रही है अप्लाई करने के लिए, कैसे वो देखिए फ्रेंड इसका इसको हाँ, तो फ्रेंड इतना नंबर लेंगे तो आपको पता ही होगा कि किसी का जैसे 110 का स्क्वायर करना है, तो फ्रेंड 11 का स्क्वायर कर लीजिए, उसके बाद इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 11 into 10 का स्क्वायर, तो इसको ये ऐसे हो जाएगा 11 का स्क्वायर into 10 का स्क्वायर, ये सब तो आपको बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं फ्रेंड, पता भी होंगे नहीं पता है तो यहाँ समझ लीजिए, तो ये ऐसे हो जाएगा, तो फ्रेंड अब हम ये 11 का स्क्वायर 121 होगा, अब फ्रेंड 10 का स्क्वायर फ्रेंड अगर 10 रहे ऐसे 10 रहे 10 की पावर n टाइम वाला रहे, तो उतने जितना n रहेगा उतने टाइम हमें जीरो लिख देना है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो 20 लिख दिया, तो यही होगा स्क्वायर, तो सेम उसी तरीके का यूज़ करके फ्रेंड हम यहाँ भी कर लेंगे, तो फ्रेंड हम पहले इसको इरेज कर देता हूँ, हाँ तो सेम, तो फ्रेंड यहाँ पे हम ये जीरो वाला, तो इसको टेंशन लेने के बाद नहीं, लास्ट में दो जीरो लगा दो फ्रेंड, टेंशन ख़त्म हो गया, समझो ठीक लगा दिया, अब उसके बाद फ्रेंड ये तो अब हमारा नंबर हो गया, अब जीरो को छोड़ दो, तो फ्रेंड जैसे मैं इसको अलग पेन से काट देता हूँ कि मतलब जीरो हमारा है ही नहीं, काट दिया है मतलब, ठीक है मैंने समझाने के लिए काट दिया, अरे काटने से अच्छा फ्रेंड लिख लेता हूँ इसको, मतलब हटा देता हूँ काटने से, एक लिख देता हूँ कि सपोज़ आप सपोज़ लीजिए हमारा नंबर ये है, इतना तो कर ही सकते हैं सपोज़ हो सकता है मैथ के स्टूडेंट है, तो अब फ्रेंड और ये हमारा, लेकिन हाँ लास्ट में जीरो मत भूल जाना फ्रेंड, ये जीरो हमने यहाँ लिख लिया इसीलिए क्योंकि हटाया था, तो ये हो गया, तो अब इसके स्क्वायर तो फ्रेंड रहा है 10 20, तीन डिजिट है तो 30 201, और लास्ट में दो जीरो तो हैं, तो यह दो जीरो हो गया, मतलब इसको हटा दो, डिलीट कर देता हूँ, सॉरी एक और जीरो यहाँ पे डिलीट हो गया, तो ये हमारा इसका स्क्वायर है फ्रेंड, है ना कमाल की ट्रिक, तो
तो ये हो गई फ्रेंड नंबर वन से हमने खेल लिया। तो फ्रेंड अभी तक हमने कुछ ऐसी स्क्वायर ट्रिक्स देखी जो सिर्फ पार्टिकुलर नंबर के लिए अप्लाई थी, पार्टिकुलर टाइप ऑफ नंबर के लिए अप्लाई थी। अब फ्रेंड हम ऐसी ट्रिक देखेंगे जो रेंज ऑफ नंबर के लिए, जो किसी ऐसे फिक्स बेस के पास वाले नंबरों के लिए अप्लीकेबल है, जैसे मतलब एक बेस के बेस लेके चलेंगे, बेस वाले ट्रिक्स देखेंगे। ठीक है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, आसान रहेगा, आपका वो माइंडसेट भी बन जाएगा, समझ भी अच्छे से आएगा। तो फ्रेंड सबसे पहले हम देखेंगे अब 50 के पास वाले नंबरों का स्क्वायर निकालने के लिए। तो फ्रेंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 25 तक के स्क्वायर तो याद कर लीजिए फ्रेंड, इतना तो याद करना ही पड़ेगा फ्रेंड। अगर आपने इतना याद कर लिए तो फ्रेंड 130 तक तो आपको उंगलियों पे रहेंगे फ्रेंड, तुरंत आएगा। ठीक है तो चलिए देखते हैं कि 25 तक याद, सपोज़ आपको याद हो गया, अज्यूम करके चलता हूँ कि याद है, तो उसके बाद आगे कैसे निकलेंगे। तो आगे के निकालने के लिए फ्रेंड कुछ नहीं, हम सबसे पहले जैसे सपोज़ ले लेते हैं 27 का छोटा नंबर ले लेते हैं, इसका स्क्वायर निकालना है। तो ऐसे नहीं लिखा जाता ना फ्रेंड, 27 का स्क्वायर ऐसे निकालना है तो इसका मतलब ऐसे नहीं, तो इसको अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में लिख देते हैं कि कैसे लिखा जाता है। तो इसको ऐसे लिखेंगे ना फ्रेंड, 27 का स्क्वायर हमें निकालना है। तो इसको फ्रेंड, तो फ्रेंड अब ट्रिक देख लेते हैं सबसे पहले कि ट्रिक क्या है। तो फ्रेंड देखेंगे कि ये जो हमारा नंबर है 50 से कितना कम है। फ्रेंड ज़्यादा तो हो नहीं सकता क्योंकि ये 50 से छोटा है, तो कितना कम है। तो फ्रेंड ये नंबर हमारा, कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, हाँ अच्छा लगेगा। तो ये नंबर फ्रेंड हमारा 50 से 23 कम है, 23 कम है। तो फ्रेंड कुछ नहीं, 23 का स्क्वायर तो आप पता ही होगा क्योंकि 25 तक का तो आपको याद है, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, याद होना भी चाहिए फ्रेंड। अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या तो आप हायर स्टडीज कर रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए। तो इतना है तो फ्रेंड हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसका स्क्वायर करिए। इसका स्क्वायर होता है फ्रेंड 529। देखिए मुझे फ्रेंड याद है तो आपको भी याद होना चाहिए। तो 529, अब फ्रेंड हमें अकेले टू डिजिट लेके चलना है, लास्ट की टू डिजिट जो होंगी वही हमें लिख लेना है। उसके बाद ये जो है फ्रेंड इसको कैरी ले लेंगे, तो इसको याद रख के चलना कि ये हमारा कैरी है। उसके बाद फ्रेंड हमें इसी 23 को 25 से सब्ट्रैक्ट कर देना है फ्रेंड, 25 से सब्ट्रैक्ट करना है। एक बात याद रखना फ्रेंड, ये कम है, 23 कम है, तो इसके लिए सब्ट्रैक्शन का साइन लेके चलना और 25 से सब्ट्रैक्ट। अब 25 से ही क्यों करेंगे, इसके पीछे का भी मैं लॉजिक आगे बताऊंगा फ्रेंड आपको, और अगर ज़्यादा रहेगा तो क्या करेंगे, सब चीज़ बताऊँगा, पेशेंस रखिए फ्रेंड, आपको सब चीज़ बताऊँगा। ठीक है तो अभी क्या करना है, कम है तो बस सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना आएगा 2, 25 में से 23 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2। अब 2 तो आया लेकिन फ्रेंड 2 नहीं लिख देंगे, यहाँ हमारी कैरी थी ना 5, इसको भूलना नहीं है, तो कैरी थी 5, तो 5 प्लस 2 7, तो यही हमारा आंसर है। तो फ्रेंड अगर आपको पता होगा 27 का स्क्वायर याद होगा, 729 होता है, तो आपको तो पता ही चलो ये आंसर सही है। फ्रेंड सारे आंसर सही है, मैं गलत नहीं बताऊँगा, कोशिश भी करता हूँ गलत बताऊँगा भी नहीं, उन्हें बताना चाहिए। तो ये हो गया फ्रेंड। अब फ्रेंड अब देख लेते हैं कि अगर हमारा ये 27 हो गया, 35 हुआ तो नेक्स्ट एग्जांपल लेके देते हैं, 35 होता तो फ्रेंड 35 के लिए तो आप सिंपल जो पहले ट्रिक बताई है, पहले इसके पहले जो ट्रिक बताई है 5 वाली, पहली ट्रिक वही यूज़ करिएगा, उससे उस वो तो सबसे फास्टेस्ट ट्रिक जो पर्टिकुलर नंबर के लिए हो सकती है मैंने बता दी फ्रेंड। अब जितना ही मैं डीप चलता जाऊँगा ना उतना फ्रेंड ट्रिक का जो टाइम होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, टाइम टेकिंग ज़्यादा होती चला जाएगा। ठीक है तो 37 का ले लेते हैं फ्रेंड, ये तो जनरली बहुत कम लोगों को याद होगी फ्रेंड ना फ्रेंड, जल्दी याद भी नहीं कर जाता, 7 9 वाले नंबर रहते हैं खतरनाक नंबर रखते हैं। ठीक है इसको निकालना कैसे, कुछ नहीं, ये 13 कम है 50 से, 15 से 13 कम है, तो इसलिए माइनस साइन, माइनस का क्यों लिखते हैं, क्योंकि फ्रेंड पता चल जाता है आसानी में सब्ट्रैक्ट करना है कि ऐड करना है 25 से, जैसे पिछली वीडियो में पिछली एग्जांपल हमने किया था, तो इसलिए माइनस। ये सब फ्रेंड मैं तरीका बता रहा हूँ जिससे आपको याद करने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सब एक बार हैबिट बना लेंगे ना तो बहुत आसानी से फ्रेंड, याद भी नहीं करना रहता, कुछ नहीं करना रहता, आसानी से बस हमें लिखना रहता है बस, और लिखना भी नहीं रहता, माइंड में बस सोचना रहता है, होता रहता है। तो -13 हो गया, -13 हो गया, तो 13 के स्क्वायर फ्रेंड, -13 का भी स्क्वायर 169 होगा, 13 का भी 169, तो 169 में से 69 लिखना है क्योंकि लास्ट टू डिजिट लिखना है, 1 हमारा कैरी रहेगा, कैरी को तो भूलना ही नहीं है। ठीक है तो 1 हो गया कैरी। अब फ्रेंड 25 से जैसे हमने पिछले एग्जांपल किया सब्ट्रैक्ट ही कर देना है 25 से, अब सब्ट्रैक्ट क्योंकि कम है 50 से, सब्ट्रैक्ट इसलिए निगेटिव लेके चलना था, यही फ़ायदा रहता है फ्रेंड कि ऐड करना है कम है सब्ट्रैक्ट करना है, अगर साइन लेके चलेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी।
और नहीं तो आप वैसे भी पता कर सकते हैं कि कम है तो सबट्रैक्ट करना है, ज़्यादा है तो ऐड करना है, ठीक है। कोई जो आपको सूटेबल लगे वैसे कर सकते हैं। मैं साइन लेके चलता हूँ, मुझे अच्छा लगता है और आसान भी हो जाता है। तो सबट्रैक्ट करेंगे फ्रेंड तो ये आएगा 12, और ये हमारा वन कैरी था तो वही ऐड हो जाएगा, तो 1369 आंसर है ना, कमाल की रेट। अब फ्रेंड देख लेते हैं, अगर ज़्यादा हुआ 50 से, 50 के पास वाला बताया था ना मैंने, तो 50 से ज़्यादा हुआ तो सेम इसी तरह, जैसे 40 तो ज़्यादा हो जाएगा, 64 का स्क्वायर निकालना है फ्रेंड। तो सिंपल सा, कितना ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है, 14 का स्क्वायर 196 लिख लिया, 1 हमारा कैरी, और 25 अब ऐड करेंगे फ्रेंड, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है और ये 50 से ज़्यादा है इसलिए ऐड करेंगे। तो 25 प्लस 14 हो जाएगा 39, और 1 कैरी था 40 96 हमारा स्क्वायर है फ्रेंड, है ना फ्रेंड, कमाल की रहेगी। और एक एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड, 74 फ्रेंड 75 का तो हम डायरेक्ट 5 वाली ट्रिक से यूज़ कर लेंगे, तो 75 तो उससे निकल आएगा, 24 ज़्यादा है। अब फ्रेंड 24 तक का स्क्वायर तो आपको याद ही है, तो 576 होता है, 5 हमारा कैरी, अब 25 इसमें ऐड, मतलब 25 तो रहेगा कांस्टेंट, लेके चलिए 25 से। अब फ्रेंड इसमें ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 49 5 54, तो ये हो गया। तो फ्रेंड आप कहेंगे कि मैं 25 को तो बताया नहीं, बस ट्रिक बताते चला जा रहा हूँ, तो अब देखिए ना फ्रेंड, पहले सब चीज़ हमें ट्रिक आ जानी चाहिए, पहले फ्रेंड हमें खाना खा लेने के बाद देखना चाहिए कि खाना कहाँ से आया, किसने बनाया, ठीक है फ्रेंड। पहले खाना खाने देख लेंगे तो भूख फ्रेंड बहुत बढ़ जाएगी और विचलित हो जाएंगे, तो इसलिए पहले खाना खाने के बाद देखना चाहिए किसने बनाया, और पैसा देखना चाहिए कितने का है। चलिए फ्रेंड अब देखते हैं क्यों हुआ। तो जैसे फ्रेंड हम बड़ा वाला लेते हैं, जैसे अभी जो एग्जांपल किया था हमने, 74 का स्क्वायर निकाला था ना फ्रेंड, तो इसको हम फ्रेंड ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 50 के पास वाले नंबरों का लेके चल रहे हैं, तो 50 प्लस 24 ज़्यादा है 50 के, मतलब 50 के टर्म में तोड़ लेंगे। अब फ्रेंड इसको ऐसे लिख सकते हैं फ्रेंड, अब ये इसको स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो उसी फार्मूला से लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 2500 प्लस बी स्क्वायर 576 प्लस 2ab, तो 5 × 50 × 100 हो जाएगा, अब × 24। अब देखिए फ्रेंड अब हमें क्या करना है, यहाँ देखें 25 हमने क्यों लिया, क्योंकि फ्रेंड 25 ये हमने लिख लिया, ये 2 0 तो लास्ट 2 डिजिट इसलिए छोड़ा, हम लास्ट 2 डिजिट ही अकेले लेते थे क्योंकि हमें यही दोनों चाहिए था, ठीक है फ्रेंड। अब तो ये हो गया। अब फ्रेंड हम वही जितना ज़्यादा रहता उसको ऐड क्यों करते थे, क्योंकि यहाँ पे भी लास्ट 2 डिजिट है और यही ऐड करते थे ना फ्रेंड, 25 प्लस यहाँ पे देख लीजिए ना फ्रेंड, हमने 25 और 24 ऐड किया है, तो इसीलिए ऐड किया है क्योंकि यहाँ 25 ऐड हो जाता, और 576 लेते थे फ्रेंड इसका स्क्वायर। और फ्रेंड इसमें 2 डिजिट क्यों ले, क्योंकि हमारा 2 ही 0 तो है, ऐड करेंगे तो 2 ही 0 तक तो आएगा, उसके बाद ये 5 में कैरी में चला जाएगा, तो इसीलिए करेंगे। आप फ्रेंड कोई भी नंबर ले लीजिए इनके पास में रेंज में, सब में यही होगा, 2 0 से ज़्यादा यहाँ 3 0 कभी नहीं आएगा, और फ्रेंड 1 0 भी नहीं आएगा, इसीलिए समझ में आया ना इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। फ्रेंड कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है ना तो हर चीज़ आसान रहती है, इसलिए कॉन्सेप्ट भी कभी भूलना नहीं चाहिए। हाँ एक बार है, कॉन्सेप्ट याद ना हो चलेगा, ट्रिक याद रहनी चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट भी याद रहेगा तो और अच्छी बात, लेकिन भूलना नहीं, पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके पीछे, तो अब मैं आप देखिए, अब मैं हम शुरू से चलते हैं कि नंबर लाइन लेके चलते हैं, तो देखते हैं क्या है। तो सपोज़ हमने एक नंबर लाइन ले लिया, अच्छे से बनाता हूँ ना, तो ये हमारी हो गई फ्रेंड नंबर लाइन, थोड़ी मोटी हो गई चलेगी। अब फ्रेंड यहाँ पे हमने 0 से स्टार्ट किया, तो 0 के स्क्वायर तो फ्रेंड 0 होता है, उससे कोई बात, तो 0 से हमारा 75 तक तो क्लियर हो गया फ्रेंड, क्योंकि 25 तक तो फ्रेंड आपको स्क्वायर याद होंगे, और 25 से 75 तक तो आप जो अभी मैंने जस्ट पहले ट्रिक बताई 50 वाली, फिर बेस 50 वाली, उससे निकाल लेंगे विद इन 2 to 3 सेकेंड। और जो पार्टिकुलर नंबर रहेंगे, जैसे जो यूनिट डिजिट 5 वाला नंबर रहेंगे, वो तो आप वैसे भी निकाल लेंगे, मैंने पहले ट्रिक बता दी, और 11 वो भी आसानी से निकाल, मतलब जो पार्टिकुलर नंबर वाले ट्रिक रहेंगे उसकी मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो बाकी आप जो बचे हुए नंबर हैं वो सब इससे कवर अप हो जाएंगे बेस 50 वाले, तो हो गया ना फ्रेंड। तो अब चलिए 75 से आगे वाले नंबरों के लिए, जैसे ये, अब हम 75 से आगे वाले नंबरों के लिए 100 या 125 तक के नंबरों के लिए क्या करेंगे, 125 उसके आगे चलेंगे बाद, तो 125 के लिए फ्रेंड हम बेस 100 लेके चलेंगे,
अब बेस 100 वाली ट्रिक, जैसे यहाँ 50 वाली देखे थे वैसे बेस 100 वाली, लेकिन फिर ये दोनों सेम ट्रिक नहीं है, अलग अलग ट्रिक है, बस देखना है डिफरेंस क्या है, तो वही देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड अब बेस 100 वाली ट्रिक देख लेते हैं। अब फ्रेंड हमें 100 के पास वाले नंबरों को स्क्वायर करना है, तो दैट मीन्स छोटे से लेके चलते हैं, तो 75 तक तो हो गया, 76 का स्क्वायर करना है। तो फ्रेंड इसके लिए क्या ट्रिक है, तो इसके लिए फ्रेंड सेम उसी तरह रहेगा कि जैसे वहाँ पे हम देखते थे पिछले ट्रिक में कि 50 से देखते थे कितना कम या ज़्यादा है, अब यहाँ बेस 100 हो गया, बेस से देखेंगे कितना कम या ज़्यादा है। तो 100 से कितना कम है फ्रेंड देख लेते हैं कितना कम है, तो ये है 24 कम है, तो 24 कम है, तो इसलिए माइनस है। अब फ्रेंड्स वैसे ही करेंगे जैसे पिछले ट्रिक में किया था, 24 का स्क्वायर करेंगे, 576 तो 76 लिख लिया, 5 हमारा कैरी, सेम सब चीज़ें उसी तरह रहेंगी, बस डिफरेंस क्या आएगा कि अब आएगा, अब इस स्टेप में जो डिफरेंस आना रहेगा ये आएगा कि अभी तक हम क्या करते थे उसमें हम 25 से नंबर हमारा कुछ भी रहे, ज़्यादा रहे 50 से या कम रहे, हम 25 से सब्ट्रैक्ट कर देते थे या ऐड कर देते थे। लेकिन फ्रेंड अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है फ्रेंड, जो बेस हमारा 100 रहेगा, 50 रहेगा तो 25 से कर लिए, 100 रहेगा तो हमें इसी नंबर से, ये जो नंबर है हमारा, जो नंबर हमें जिसका स्क्वायर निकाला इसी में से हम सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे, ठीक है फ्रेंड। कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर 50 रहेगा तो 25 से करना है और 100 रहेगा तो फ्रेंड जो नंबर गिवन रहेगा जिसका स्क्वायर निकाला उसी से करना है। फ्रेंड थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन एक दो बार बस प्रैक्टिस की बात है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही क्लियर हो जाएगा। तो हम इसी 76 से 24 सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि 100 से कम है, 76 24 कम है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा फ्रेंड लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा फ्रेंड, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 52। लेकिन फ्रेंड वेट यहाँ पे तो हमारा 5 कैरी भी था, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा, इसमें 5 हमें ऐड भी करना होगा, तो ये हो जाएगा इसमें 5 ऐड करने का 57 और ये 76, तो 76 हमारा 76 का स्क्वायर है। क्लियर हुआ फ्रेंड कॉन्सेप्ट, नहीं क्लियर हुआ तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। सबसे टिपिकल अगर हमें मुझे कहो किसी का स्क्वायर फाइंड करना है फ्रेंड, मुझे तो कोई टिपिकल नहीं फ्रेंड, 130 तक कुछ ही नहीं, कोई टिपिकल नहीं, और किसी से पूछेंगे तो ये लगता है फ्रेंड 100 के पास वालों नंबर में, ये 99 का स्क्वायर फ्रेंड, पहली ट्रिक देखिए वो तो मैक्सिमम लोगों को पता रहती है ना, तो उससे निकल जाता है। लेकिन अगर दूसरा टिपिकल रहेगा तो ये नंबर रहता है ना फ्रेंड, क्योंकि वैदिक में ट्रिक लगाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन करने में लार्ज हो जाता है, इसीलिए फ्रेंड टेंशन मत लीजिए, वैदिक ट्रिक भी आगे बता दूंगा आपको, सेटिस्फैक्शन रहेगा, सारी ट्रिकें मिलेंगी, ठीक है फ्रेंड। तो अब इसका स्क्वायर करना है, तो जैसे ही करना है जैसे मैंने बताया था 100 से देख लेना है कितना कम है, तो फ्रेंड ये 11 कम है, 11 का स्क्वायर 121, 1 हमारा कैरी, अब इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है 11, क्योंकि 11 कम था, ये हो जाएगा 78 और एक कैरी था तो 79, यही हमारा आंसर है, चुटकियों में आ रहा है ना फ्रेंड, बिना पेन पेपर के डायरेक्ट आप बताएंगे देखते ही, जैसे 89 का स्क्वायर कितना होगा मैं डायरेक्ट दिमाग में कर लूँगा, करे 89 11 कम है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 1 कैरी हो गया, इसमें से 89 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे 79, ख़त्म हो गया ना फ्रेंड, इसी तरह आप करना है। अब ये तो हो गया फ्रेंड, अब इसी तरह अगर ज़्यादा रहेगा 100 से तब भी सेम रहेगा, जैसे 123 100 से बड़ा नंबर है फिर भी सेम, जैसे 50 में करते थे बड़ा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं बस ऐड हो जाता, तो 100 से कितना ज़्यादा है फ्रेंड, ये हमारा 23 ज़्यादा है, तो 23 का स्क्वायर 529, 29 लिख लिया, 529, 5 हमारा कैरी, कैरी का फ्रेंड ध्यान रखना कैरी ज़्यादातर लोग कैरी ही मिस कर देते, तो इसीलिए आपको जैसे सुटेबल लगे मैं अलग से कैरी लिख लेता हूँ, सर्कल कर देता हूँ, तो जैसा आपको नोटेशन लगे या दिमाग में उंगलियों को काउंट करके पकड़ के जैसा आपको ठीक लगे आप वैसे ही करिए फिर। तो फ्रेंड अपने पॉइंट पे आते हैं, तो हमारा 23 ज़्यादा है तो इसी 23 को हम ये 123 में ऐड कर देंगे तो 146 हो जाएगा, 5 हमारा कैरी था तो 151, तो 151 फ्रेंड ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, 151 29 हमारा आंसर है फ्रेंड, स्क्वायर है 123 का। तो अब आपको इसका कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, ये ट्रिक पूरी पता चल गई होगी, अब तो कोई डाउट नहीं, और एग्जांपल करने से कोई फ़ायदा है, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारी नंबर लाइन पे, तो ये हमारी नंबर लाइन है, यहाँ पे फ्रेंड हमारा जो है 200 तक तो हो जाएगा फ्रेंड, 125 तक तो आसानी से क्लियर हो जाएगा और 200 तक भी तो आपका क्लियर हो गया होगा फ्रेंड ना फ्रेंड, कोई डाउट तो होगा नहीं, क्लियर हो गया नहीं हुआ, अरे फ्रेंड चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं हुआ होगा फिर भी बता दूंगा, और कैसे होगा ये भी मैं बता दे रहा हूँ। तो फ्रेंड सपोज हमें 163 का स्क्वायर निकालना है, फ्रेंड 100 से कितना दूर है 63। अब फ्रेंड यहाँ पे देखिए
हमें 63 का तो अब स्क्वायर निकालना पड़ेगा। सेकंड स्टेप में हम स्क्वायर निकालते थे, लेकिन यहाँ 63 है फ्रेंड, इसका स्क्वायर तो आपको याद नहीं होगा। कुछ नहीं फ्रेंड, इसके पहले मैंने ट्रिक बताई है ना, उससे इसका स्क्वायर निकाल लीजिए। तो देखेंगे वो 15 वाली, 50 के पास वाले नंबर वाली ट्रिक। तो दैट मीन्स ये 50 से कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है, तो मतलब 13 का स्क्वायर 169, तो 69 हो गया। और 13 ज़्यादा है तो 25 प्लस 13 हो जाएगा 38, और 1 39, तो 39 69 हमारा इसका स्क्वायर है 63 का। कुछ नहीं, लास्ट टू डिजिट लिखना रहता तो 69 लिख दिया। अब 39 आया ना फ्रेंड, तो अब कुछ नहीं, क्या करते थे, इसी 63 को गिवन नंबर में ऐड कर देते थे। ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 622, 226, और इसी में 39 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 39, ऐड करेंगे तो 46, 66, तो मतलब 265, 69 हमारा आंसर होगा। लेकिन फ्रेंड आपने देखा होगा कि ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो जा रहा है, टाइम टेकिंग हो जा रहा है ना, इसीलिए हम ऐसे करने की बजाय हम क्यों ना बेस अगर 200 ले लेंगे तो हमारा कुछ इजी हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड अगर बेस 200 ले लेंगे तो कुछ स्लाइट चेंजेस हो जाएंगे ट्रिक में, वो चेंजेस क्या हैं तो चलिए वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड बेस 200 ही क्यों, हम हर बेस के लिए मतलब हमें अलग अलग ट्रिक करने पड़ेंगे, तो उससे अच्छा हम क्यों ना एक बेसिक ट्रिक बना लें जिससे हम 200 बेस हो गया, 300 बेस हो गया, किसी भी बेस के लिए कर लें, ठीक है ना फ्रेंड, वो ट्रिक ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। तो इसीलिए मैं अब चलिए बेस मेथड बताता हूँ किसी भी नंबर के लिए। अभी तक हमने 100 के लिए देखा ना, अब कोई भी बेस रहे 200, 300, 400, 500, 600 कितना भी रहे, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड सपोज़ हमें निकालना है 215 का, इसका स्क्वायर निकालना है तो 15, तो ये फ्रेंड लास्ट डिजिट 5 है, तो इसका हम पहली जो ट्रिक हमने किया था इसके पहले उससे कर लेंगे। 5 लास्ट डिजिट 5 है तो ये देखेंगे तो उससे आसानी से हो जाएगा। तो ये नंबर नहीं, दूसरा नंबर ले लेते हैं, तो सपोज़ अब हम नंबर ले लेते हैं 216 ही ले लेते हैं, एक बढ़ा दिए, इसका तो कोई ट्रिक नहीं देखी। तो फ्रेंड अब हमें बेस यहाँ 200 लेंगे तो आसान रहेगा, 100 लेने से तो आसान रहेगा नहीं, तो अब 200 ले लिया। तो 200 लेने के बाद जो हमारी ट्रिक में चेंजेस आएंगे वो क्या आएंगे, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो हमारा बेस रहेगा 200, 500, 600 कुछ भी रहे, हम बेस अब एक बेस ले लेके चलते हैं, इसको हम बेस कह दें। तो जो हमारा बेस रहेगा उससे देखेंगे हमारा ये जो गिवन नंबर है ये कितना कम या ज़्यादा है। फ्रेंड यहाँ ये 216 है, 200 से 16 कम ज़्यादा है, सॉरी ज़्यादा है, तो इसी 16 जितना ज़्यादा रहेगा ना फ्रेंड उसका हम स्क्वायर कर लेंगे, दैट इज 16 का स्क्वायर कर लेंगे। तो 16 का स्क्वायर होता है फ्रेंड 256, तो हम 256 हमने लिख लिया एक साइड। अब फ्रेंड मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ फ्रेंड, इसको भी आप बहुत आसानी से करेंगे लेकिन समझ लीजिए एक बार, थोड़ा टिपिकल है ये, लेकिन एक बार समझ में आ गया ना बहुत आसानी से होता है। तो 256 आ गया 16 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है फ्रेंड, कुछ नहीं, हमें इसी जो डेविएशन था, मतलब डेविएशन उसी कहते हैं जितना ज़्यादा या कम रहेगा, तो यहाँ 16 था तो 16 को इसी में ऐड कर देंगे जो गिवन नंबर है, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड 232। अब फ्रेंड अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, 232 हुआ ना, इसके बाद फ्रेंड अगर हमारा बेस 100 रहता था इतना तो हम सम करते थे बेस 100 में, लेकिन इसके बाद हम कुछ नहीं करते थे, यहाँ इधर से टू डिजिट लास्ट टू डिजिट ले लेते थे उसके बाद कैरी करके कर देते थे। लेकिन फ्रेंड जब हमारा बेस 100 के अलावा कुछ रहेगा तो हम देखेंगे हमारे बेस में ये जो बेस है इसमें कितने जीरो हैं। फ्रेंड यहाँ पे 2 जीरो हैं ना, तो 2 डिजिट लेंगे, ये लास्ट की 2 डिजिट लेंगे स्क्वायर जो किए रहेंगे डेविएशन का, तो लिखता चलता हूँ। तो फ्रेंड लास्ट 2 डिजिट हमने लिख लिया, तो 56 हमने लिख लिया, बचा है हमारा 2 फ्रेंड, तो 2 हमारा ये जो हो जाएगा कैरी हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड डायरेक्ट ऐड नहीं कर देना है कि इसमें ऐड कर दें, इसके में भी अभी कुछ करना पड़ेगा, देखिए क्या करना पड़ेगा। तो अब जो हम करेंगे तो यहाँ देखें कितना जीरो है, तो जीरो के बाद अब बचा हुआ नंबर चेक करेंगे, तो यहाँ पे बचा हुआ नंबर क्या है फ्रेंड 2 है, जीरो ये है, जीरो तो हमने छोड़ दिया, अब बचा हुआ नंबर क्या है 2 है, तो उसी 2 से जो बचा रहेगा 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, कोई ज़रूरी नहीं है, बेस अगर हमने 150 ले लिया ना फ्रेंड तो सेम इसी तरह करेंगे, 150 लिया तो लास्ट में जीरो कितने हैं 10, तो हम यहाँ पे जो लेगा यहाँ पे हम एक डिजिट लेंगे लास्ट की 1 डिजिट लेंगे, यही एक डिजिट, बाकी ये 25 हमारा कैरी हो जाएगा। और जब मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तो फ्रेंड हमारा 20 है तो 2 डिजिट हमने ले लिया यहाँ पे, अब यहाँ 2 बचा है ना, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो इस साइड इसमें ऐड कर, ये जो हमने डेविएशन इस नंबर में ऐड किया था ना उसी में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा फ्रेंड, तो ये हो जाएगा 464, यही आएगा ना फ्रेंड। तो अब इसमें ये 2 हमारा कैरी था तो ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 466, तो यही को हम भी यही जो होगा हमारा इसका स्क्वायर होगा फ्रेंड, समझ में आया नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड, एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं समझ में आ जाएगा।
तो सपोज अब हमें स्क्वायर निकालना है 398 ले लेते हैं फ्रेंड, ज़्यादा बड़ा भी है, बड़ा है लेकिन स्क्वायर आप फ्रेंड बहुत आसानी से लिखाएंगे 15 सेकंड में। कैसे? कुछ नहीं, इसका स्क्वायर निकालना है ना, जैसे मैंने बताया था यहाँ बेस हम 400 लेंगे, बस हमें ये देखना है कि जो बेस ले रहे हैं उसके पास हमारा ये जो गिवन नंबर है उसके पास होना चाहिए, और जो डिफरेंस आए मतलब बेस में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे जो डिविजन आए कम से कम आए, क्योंकि जितना कम रहेगा उतना ही आसान रहेगा हमें स्क्वायर फाइंड करना, ठीक है। तो यहाँ हम बेस जो है वो 400 लिया, तो डिविजन हमारा आएगा 2, क्योंकि 400 से ये 2 कम है, -2 आएगा। तो फ्रेंड कुछ नहीं करना है हमें, 2 का स्क्वायर निकालने, तो हो जाएगा 404। अब यहाँ 2 जीरो है ना फ्रेंड, अब डायरेक्ट करते चलना है, ये सब तो मैंने समझाया था कहाँ से कैसे होता है, हम डायरेक्ट करने चले तो 04 हमने लिख लिया, कैरी में हमारा कुछ नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसमें से ही 2 सब्ट्रैक्ट कर देना क्योंकि कम है ना फ्रेंड, यहाँ देखिए माइनस का साइन आया था तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 396 आ जाएगा फ्रेंड, 396 में। अब यहाँ पे 4 है ना फ्रेंड, यहाँ पे 4 है और यहाँ 00 तो हो गया, तो 4 6 में मल्टीप्लाई कर देना है फ्रेंड, जस्ट मल्टीप्लाई करिए और आंसर लिखिए, तो ये हो जाएगा 6 6 को 24 और 9 9 36 2 8 38 4 3 12 3 15 ये 04 बस हमारा आंसर है फ्रेंड, है ना, कितनी कमाल की ट्रिक है फ्रेंड। आप कैलकुलेटर लेकर चेक कर सकते हैं, एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा, बस आप कोई भी स्टेप मिस मत करिएगा, नहीं गलती नहीं होगी। तो फ्रेंड ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है, बस आप मुश्किल से 10 से 15 क्वेश्चन करिए, उसके बाद तो फ्रेंड आप बहुत आसानी से करेंगे। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं जाना और क्लियर हो जाए, तो हम 800 को निकाल लेते हैं, जैसे 824 ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा भी रहेगा थोड़ा वो रहेगा ठीक रहेगा, ये है इसका स्क्वायर निकालना है हमें, कुछ नहीं देखेंगे इसका बेस कितना लेंगे 800, एक बार लिख लेना फ्रेंड, ये बिना पेन पेपर के तो फ्रेंड आएगा ही नहीं, क्योंकि बहुत इरर के चांसेस बहुत हो जाएंगे अगर माइंड में करेंगे तो। अगर फ्रेंड ऐसे मैंने कोई ट्रिक तो देखी नहीं कि ऐसे नंबरों के स्क्वायर बिना पेन पेपर के निकाल दे, होते हैं कोई कोई ट्रिक होते हैं जो एकदम पार्टिकुलर नंबर के लिए रहती हैं, जैसे मैंने शुरू में बता दिया, लेकिन वो उतना यूज़फुल नहीं रहती, जल्दी यूज़ भी नहीं आता है ये ऐसे नंबर, ठीक है। इसीलिए मैं पर्टिकुलर मेथड की जगह ऐसा मेथड बताया जो आपको हमेशा यूज़ पड़े, अगर कोई भी याद करने की जरूरत नहीं ऐसे याद कर लीजिए तो आप किसी भी नंबर के स्क्वायर। तो बेस हमने 800 लिया, पेन पेपर की फ्रेंड थोड़ी जरूरत थोड़ा सा लिखना पड़ेगा लेकिन बहुत आसानी से आएगा, ज़्यादा इरर के चांसेस भी नहीं रहेंगे। तो 800 कितना ज़्यादा है, 24 ज़्यादा है, 24 का स्क्वायर 576, तो 76 लिख लेना फ्रेंड, 5 हमारा कैरी डायरेक्ट लिख लेना। अब फ्रेंड 24 इसी में ऐड कर देंगे, डिविजन इसी में ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 848। अब फ्रेंड इसमें हमें 8 से मल्टीप्लाई करना रहेगा, मैंने बताया पीछे, अगर आप भूल गए हैं तो थोड़ा रिमाइंड करके देख लीजिए। तो फ्रेंड अब हमें इसे मल्टीप्लाई कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ लिखने के यहाँ फ्रेंड जगह नहीं है तो यहाँ लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 8 8 64 की 4 हासिल 6 8 6 32 6 38 कैरी 3 8 8 64 3 67 ये आया। अब फ्रेंड 5 हमारा कैरी था तो इसमें ऐड कर देंगे, तो ये 4 की बजाय 9 हो जाएगा फ्रेंड, 5 4 9 होता है ना, अब यही 76 यहाँ आंसर, तो यही हमारा आंसर है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं जिससे ये ट्रिक आपको दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि फ्रेंड बहुत ही टिपिकल ट्रिक है लेकिन बहुत ही आसान ट्रिक है फ्रेंड, इससे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर आसानी से निकाल लेंगे। जैसे देखिए अब हम निकाल सकते हैं 1222 का, इसका हमें स्क्वायर निकालना है, तो फ्रेंड बस सेम ट्रिक लगाइए बहुत आसानी से निकलेगा, दिक्कत की कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे ये नंबर हमारा किसके पास में है, तो फ्रेंड ये नंबर 1200 के पास में है। फ्रेंड आप कहेंगे 1000 के पास में भी तो है, फ्रेंड जैसे मैंने पहले ही बता दिया था 1000 लेंगे तो हमारा डिविजन क्या आएगा 222। अब इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ट्रिक तो पता है आपको, मैं जानता हूँ कि आपको ट्रिक पता हो गई होगी कि 222 का स्क्वायर भी आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन फिर भी टाइम लग जाएगा ना, दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, ट्रिक के अंदर ट्रिक आपको लगानी पड़ेगी। तो उससे अच्छा क्यों ना हम 1200 स्क्वायर ले लें, फ्रेंड 12 से मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा इन कंपैरिजन टू 222 का स्क्वायर निकालना, ठीक है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कितना कम से कम हमें स्क्वायर निकालना पड़े, और कभी कभी केसेस ही ऐसे रहते हैं कि स्क्वायर जल्दी निकल जाता है मल्टीप्लाई करना, तो डिपेंड करता है वो आप करते करते आपको ये आइडिया पड़ जाएगा कि हम कैसा बेस लें, कि हमें मल्टीप्लाई कौन आसान पड़ जाएगा, ठीक है। वो तो डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इसलिए मैं आपको बताते चल रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम बेस ऐसे ही लें 1200 1300 1400, या तो हमेशा हमारा जो डेविएशन होना चाहिए छोटा होना चाहिए। तो फ्रेंड यहाँ हमने बेस 1200 ले लिया है, अब हमारा फ्रेंड ये जो गिवन नंबर है 1200 से कितना ज़्यादा है फ्रेंड, 22 ज़्यादा है, 22 का स्क्वायर
484, तो 84 हमने लिख लिया। अब हमारा 4 कैरी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में इसी में 22 ऐड कर देंगे, ये जो गिवन नंबर है, तो ये हो जाएगा 12। फ्रेंड 12 44, तो ये 44। अब फ्रेंड अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस ये जो आया इसमें 12 से मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लिखने क्या ज़रूरत है। 12 तो बढ़ चौकर 48, बढ़ चौकर 48 चार 52, 12 के सार 144, 52 था तो 149 ये हुआ। अब यहाँ 4 हमारी कैरी है तो इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1493284, यही हमारा इसका स्क्वायर है फ्रेंड, 84 यहाँ वाला यहाँ चला गया, तो यही हमारा स्क्वायर है। देखा ना फ्रेंड हम कितनी आसानी से निकाल लेंगे फ्रेंड, इतने बड़े नंबर का 1222 का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, है ना फ्रेंड, आसान है। और चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, जितना ज़्यादा ज़्यादा एग्जांपल करेंगे उतना आसान हो जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड सपोज़ अब हमें मल्टीप्लाई करना है, बड़ा नंबर ले लेता हूँ फ्रेंड, तो ये हो गया 3489, ये इतना बड़ा नंबर हमें मल्टीप्लाई करना है फ्रेंड। इसको देखते ही मान तो लोग भाग जाएंगे, कितना बड़ा नंबर कौन मल्टीप्लाई करेगा, मतलब सॉरी मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, स्क्वायर निकालना है, तब तो और दिक्कत हो गई फ्रेंड। लेकिन फ्रेंड हम बहुत आसानी से निकालेंगे, बस बेसिक चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं। यहाँ हम अगर बेस 3500 ले लेंगे तो फ्रेंड आसान हो जाएगा, तो 3500 लेंगे तो हमारा डिविशन आएगा 11 का स्क्वायर 121, तो 121 हमने लिख लिया, 1 हमारा कैरी है हमने यहाँ पे लिख लिया। अब फ्रेंड इसमें से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3478। अब इसमें से इसमें हमें फ्रेंड 35 से मल्टीप्लाई करना है, तो फ्रेंड क्यों ना इसमें हम 35 से मल्टीप्लाई करने की बजाय हम 7 और 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो फ्रेंड आंसर तो सेम ही आएगा। क्यों सेम आएगा, क्योंकि फ्रेंड 35 जो होता है वो 7 × 5 होता है, तो 7 और 5 से मल्टीप्लाई करने के बजाय हम 35 से कर सकते हैं, 35 से मल्टीप्लाई करने के बजाय एक बार 7 से एक बार 5 से, मतलब दोनों से करना है। लेकिन ये जरूर ये ऐसा मत कर दीजिएगा आप 7 से ही कर दीजिए काम ख़त्म, दोनों से करना है, 7 से भी 5 से भी। तो फिर पहले मैं 5 से कर लेता हूँ, तो 5 से मल्टीप्लाई करने के बजाय फिर मैं अगर इसको 2 से डिवाइड कर दूँ फिर भी हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्यों आ जाएगा, क्या कंडीशन है, उसके लिए फ्रेंड आप आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए, नहीं तो ये वीडियो फ्रेंड बहुत लेंदी हो जाएगी, ठीक है। तो 2 से डिवाइड 17 × 34 = 3 9, तो 2 से डिवाइड करने के बाद इतना आया, तो 10 आगे लगा दीजिए, तो ये हो गया फ्रेंड ये 3478 को 5 से मल्टीप्लाई करने का इतना आया। अब इसमें से 7 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो फ्रेंड ये हो जाएगा हमारा 0, तो पहले लिख लिया 9 7 63 3 हो गया, कैरी हमारा 6 हो गया, 9 7 21 6 27 और 17 7 119 और 2 121 121, ये है फ्रेंड हमारा। तो 10 था, अब हमारा कैरी 1 था ना, तो यही कैरी 1 हमारा यहाँ पे 0 की जगह कैरी 1 हो जाएगा, तो ये हमारा स्क्वायर है फ्रेंड। थोड़ा इधर कुछ ज़्यादा वो हो गया, भीड़ भाड़ हो गई, लेकिन फिर समझ में तो आ ही रहा होगा ना कि हमारा स्क्वायर ये आया 1 2 1 7 3 1 2 1, ये 1 1 का तो पैटर्न बन गया, लेकिन है ना फ्रेंड इंटरेस्टिंग है ना। तो ट्रिक भी हमारी कुछ ऐसे ही है, समझ में आ गया होगा आपका आपको। तो फ्रेंड अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, तो चलिए फ्रेंड जो हमने पहले एग्जांपल किया था 163 इसको कर लेते हैं फ्रेंड। बेस 100 से किया था लेकिन वो फ्रेंड बहुत लेंदी हो जा रहा था, तो अब फ्रेंड अगर हम इसको बेस 150 से कर दें, क्योंकि ये फ्रेंड 150 के पास में है, इसलिए हम बेस 150 से करेंगे तो आसान हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, तो 150 से करेंगे तो डेविएशन हमारा 13 आएगा, 13 की स्क्वायर 169 हमने लिख लिया। उसके बाद फ्रेंड 13 इसी नंबर में ऐड कर देंगे, 176 हो जाएगा। अब फ्रेंड देखिए यहाँ पे एक ही जीरो है तो एक डिजिट लेंगे, तो इसका एक डिजिट हमने यहाँ पे लिख लिया। अब फ्रेंड बचा कितना है 15, तो 15 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 15 × 96 0 कैरी 9 और 15 × 17 तो 16 की स्क्वायर 256 माइनस 1 करेंगे 255 और 9 कैरी था तो दैट इज़ 264, तो इसका प्रोडक्ट फ्रेंड 15 × 176 इतना है। अब फ्रेंड आप चौंक जाएंगे कि मैंने 15 × 17 कैसे कर लिया, तो उसके लिए फ्रेंड बस आप आई बटन पर क्लिक करिए, आपको एक वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो में देख लीजिए मैंने बताया है कि कभी भी हमारा डिफरेंस 2 हो तो मल्टीप्लाई करने की बहुत अच्छी ट्रिक बताई है, आप उस वीडियो को देख लीजिए आपका आसानी से हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड अभी मत देख लीजिए ये वीडियो, पहले आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए फिर उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो ये हमारा इतना प्रोडक्ट आ गया। अब फ्रेंड यहाँ हमारा 16 कैरी बचा हुआ था तो इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2656।
26569, तो यही हमारा इसका स्क्वायरों का फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड, अगर हमने बेस 150 लिया तो कितनी आसानी से हमारा आंसर आ गया ना फ्रेंड 1, लेकिन जबकि 100 लेने पे थोड़ा टिपिकल हो गया। इसलिए फ्रेंड बेस आपको देखना पड़ेगा, आपका नंबर जैसे रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप बेस लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अब हम फ्रेंड किसी भी नंबर का स्क्वायर तो आसानी से निकाल लेंगे ना फ्रेंड, आप निकाल लेंगे ना फ्रेंड, कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर पार्टिकुलर नंबर की ट्रिक्स है पहले वो अप्लाई करिए अगर पार्टिकुलर नंबर रहेगा तो, अगर नहीं है तो आप आसानी से कोई भी ट्रिक जो सूटेबल लगे उस नंबर के लिए अप्लाई करके आसानी से स्क्वायर निकाल लेंगे। और फ्रेंड ये बेस मेथड की जो ट्रिक बताई है फ्रेंड लेंदी जरूर है लेकिन बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप किसी भी नंबर के स्क्वायर निकाल लेंगे ना फ्रेंड। तो ये हो गई सारी ट्रिक, तो ये थी फ्रेंड स्क्वायर ट्रिक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें मैंने वैदिक ट्रिक्स नहीं बताए, बहुत सारे ट्रिकें नहीं बताई हैं, बहुत आपको तो और भी ट्रिकें आती होंगी स्क्वायर के। तो फ्रेंड यहाँ इस वीडियो में मैंने सिर्फ वो ट्रिक्स बताएं जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और हर टाइप के नंबर के लिए फास्टेस्ट ट्रिक है फ्रेंड। वैदिक ट्रिक्स जो होती हैं फ्रेंड उनसे 2 डिजिट या 3 डिजिट नंबर का निकाल सकते हैं, लेकिन फ्रेंड जो ट्रिक मैंने बताई इससे फास्ट नहीं निकाल पाएंगे और चांसेस भी वहाँ ज़्यादा हो जाता है एरर के, क्योंकि उसमें काफ़ी मल्टीप्लाई एडिशन करना रहता है। आप खुद ही भी प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, नहीं अगर आप चाहते ही हैं वैदिक ट्रिक्स देखना स्क्वायर की या और जो ट्रिक्स देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, छोटी छोटी वीडियो बनाई है, आप स्क्वायर ट्रिक की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं ठीक है। और नहीं तो मेरी मानिए तो आप यही वीडियो यही ट्रिक्स फॉलो कीजिए, क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट और टाइम एफिशिएंट ट्रिक्स हैं फ्रेंड ठीक है। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर फ्रेंड आप स्क्वायर रूट की ट्रिक्स देखना चाहते हैं तो मैंने उसके लिए पहले से ही कुछ वीडियो बना दी हैं, उसको मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज करके रखी हुई, आप स्क्वायर रूट प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ मैंने डिवीजन मेथड से कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है उसके बारे में भी बताया, और स्क्वायर रूट की कुछ लाजवाब ट्रिक्स भी बताए हैं जिसमें मैंने नॉन परफेक्ट नंबर या परफेक्ट नंबर की स्क्वायर रूट हम चुटकियों में कैसे निकालेंगे वो सारी बातें की हुई हैं। तो आप स्क्वायर रूट की प्लेलिस्ट जो बनी है वहाँ पे चेक कर लीजिए, एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड, पता नहीं आपको ये ट्रिक आती हैं कि नहीं आती हैं, कुछ नई ट्रिक सीखने को मिल जाएगी फ्रेंड। और ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियोज़ भी नहीं है, छोटी छोटी वीडियोज़ हैं ठीक है फ्रेंड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम कुछ नई ट्रिक के साथ, बाय बाय।